हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप स्टोरीज विद सागर, विद मी सागर राजपूत। नया दिन है तो नया वीडियो, और आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी लोगों के लिए है जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, जो ऑल प्री सी कर रहे हैं, क्रू है, ऑफिसर है, सब लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ ये वीडियो है इंग्लिश के बारे में, तो कम्युनिकेशन जो होती है हमारी इंग्लिश में होती है। ऑनबोर्ड जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वाई इंग्लिश इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन मर्चेंट नेवी, तो उसी के बारे में मैं आज आप लोग से डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि क्यों इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट होती है मर्चेंट नेवी में। हम कैसे अभी जैसे 12th में भी आप देखोगे कि PCM के अलावा आपको एक और एक क्राइटेरिया होता है मर्चेंट नेवी में आने के लिए, वो होता है इंग्लिश, जो होता है 50% एंड अबाव। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स है वो तो होते ही है, वो तो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, बट आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्वियसली लैंग्वेज चाहिए, तो लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश क्योंकि एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया है मर्चेंट नेवी के फील्ड में, तो सभी लोग जहाँ पे भी हम जाते हैं हर कंट्री में, जैसे आपको पता है कि शिप्स तो सब जगह वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो सभी जगह में इंग्लिश ही है जो ऐसा एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब लोग बात करते हैं और सबको आना चाहिए। जैसे कोई कोई कंट्रीज होती है जहाँ पे सब क्रू उनके स्पैनिश हो, फ्रेंच हो, तो उनका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है वो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज स्पैनिश होगा या फ्रेंच होगा, बट मैक्सिमम आई थिंक 90-95% जो है वो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं सब जगह बात करने में। तो इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ इंग्लिश यूज़ होती है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अंत में पसंद आया आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर तो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो पहले चीज़ आपको तो ये पता ही होगा कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है आजकल स्कूल कॉलेजेस में आपको अगर फॉरेन जा रहा है पढ़ाई करने, दूसरी पढ़ाई करने में भी, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। इंग्लिश के अलावा मतलब बिना तो कहीं पे आजकल चलता ही नहीं है। और मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि स्टार्टिंग में आप देख लीजिए 12th में आपको PCM के अलावा इंग्लिश में 50% अबव चाहिए, तो वहाँ पे कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको स्कोर करना पड़ता है, स्कोर करने के लिए आपको इंग्लिश की जानकारी तो ज़रूरी है। सेकेंडली जो बहुत सारे कैडेट्स लोग अभी जिन्होंने जो प्रीसी कर रहे होंगे या जो आने का सोच रहे होंगे, बहुत सारी कंपनीज ने भी इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जैसे TOEFL करके आता है, आप सर्च कर सकते हैं। TOEFL मोस्टली क्या होता है कि आप फॉरेन कंट्रीज में जब पढ़ने जाते हो तब आपको TOEFL देना ज़रूरी होता है, उसमें पॉइंट सिस्टम होता है कि आपको इतने के अबाव लाना पड़ता है तभी वो लोग आपको स्टडीज़ के लिए वहाँ पे आपको बुलाते हैं, मतलब एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जैसे UK के लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है IELTS का, वैसे TOEFL होता है बहुत सारे जगहों पर, तो मेरी कंपनी में भी TOEFL कंपलसरी कर दिया कि आपको इतने के अबाव उसमें आना चाहिए मार्क्स, तभी आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके कोर्सेज वगैरह कराएंगे, और वो जो है वो खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा TOEFL का एग्ज़ाम, अगर आप क्लियर होते हो उसी के बाद आपको वो लोग लेंगे, जब तक आपका क्लियर नहीं होता तब तक आपको वो लोग बोलेंगे आप एग्ज़ाम क्लियर करके ही आओ, तो उसमें आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, तो उसका कॉस्ट भी आई थिंक कुछ थाउजेंड्स में ही है, 7,000-10,000, मुझे एग्जैक्टली रेट पता नहीं, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश की आपको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गई होगी। सेकेंडली जब आप प्रीसी में आते हो जैसे बेसिकली, तो प्रीसी में भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, वहाँ पे भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखने के अलावा इंग्लिश बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप आ जाते हो एग्ज़ाम्स, तो आपके इंग्लिश में होंगे वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो कंपनीज़ में। अगर आप स्पॉन्सर्ड हो तो स्पॉन्सर्ड का क्या होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी पहले देती है प्रीसी से पहले, तभी भी आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी वो लोग जो कैप्टन्स होंगे, वो लोग जो ऑफिस वाले होंगे, वो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, और वो देखते हैं कि इंग्लिश कितना आपको आता है, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, एकदम हाईफाई इंग्लिश होनी चाहिए, बट आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे बात करो इंग्लिश में, बट समझ में आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शिपिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो नॉलेज तो कुछ फ़ायदे का ही नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली सब कुछ करना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन शिप। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा बोल सकते हो कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट अगर आप
आपको आता है बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए बराबर से, तो वो एक बहुत बड़ा एक तरह से क्या ना क्या बोले एरर है और मिसकम्युनिकेशन हो जाती है वहाँ पे, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इसके कारण, इंग्लिश के कारण मिसकम्युनिकेशन में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा मैंने अभी बताया इंटरव्यूज़ के बारे में, फिर आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो, इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर आप आओ, आपको शिप मिलेगा। ठीक है, शिप मिलने के बाद जब आप इनिशियली फर्स्ट शिप पे जाते हो तो पहले आपको तो एक तो नॉलेज नहीं होता बेसिकली, कोई भी पहले आता है कोई फील्ड में तो आपको नॉलेज नहीं होता, तो नॉलेज नहीं हो ऊपर से आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि इंग्लिश आप धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए, कि लिखने तो आपको आता ही होगा, कि बहुत लोग को होता है कि बात करने में दिक्कत होती है, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, तो आप धीरे धीरे अपने घर वाले अपने दोस्तों के साथ आपको बात करने शुरू करना चाहिए, किसी के साथ भी, फ्रेंड्स हैं आपके अगर सेम फील्ड में हैं, आप कॉलेज में हो पीसी कर रहे हो तो उनके साथ बात कीजिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में। तो जैसे जैसे आप बात करोगे ना तभी आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, अगर आप बात नहीं करोगे और सिर्फ लिखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे इंग्लिश आती है, बट जब आप बोलने जाओगे तब बहुत दिक्कत होगी, आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे, अगर आप चाहिए तो इंग्लिश सॉन्ग्स थोड़े बहुत सुन सकते हो तो आपकी थोड़ी लिसनिंग वाली इंग्लिश भी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, कि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको इंग्लिश मूवीज़ या ऐसा कुछ होगी वो देख सकते हो, डिक्शनरी पढ़ सकते हो, देन नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश में वो पढ़ सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको शिपिंग में कितना इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक एग्जांपल्स देके बताता हूँ, कि शिप पर आप जाओगे तो क्या क्या चीज़ों से इंग्लिश लाइक इतनी इम्पॉर्टेंट है, कि क्या हो सकता है अगर आपको नहीं आती हो बराबर। तो आगे बढ़ते हैं और शिपिंग के बारे में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली कैसा होता है वो बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ अभी कि शिप पर कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग अभी प्रीसी कर रहे हैं या जो आने की सोच रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पहले आप शिप ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपको चीफ ऑफिसर से मिलना होता है, कैप्टन से मिलना होता है, तो तभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, अपने लोग होंगे अगर तो थोड़ा बहुत चल जाता है हिंदी में बात करना। बट अगर आप समझिए आप जा रहे हैं ऐसे शिप पे जहाँ पे मिक्स क्रू है, मिक्स क्रू मतलब इंडियंस होंगे, फिलिपिनोज होंगे, अलग अलग नेशनलिटीज़ के क्रू है, और अगर आपको कोई कैप्टन मिल गया या कोई चीफ ऑफिसर मिल गया, इंजन रूम में कोई है अगर कोई जा रहा है तो चीफ इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर मिल गया जो कि यूक्रेनियन है या तो फिर टर्किश है या फिर यूरोपियंस है, मिलते आपको ऐसा ये नहीं होता कि आप सोच के जाओगे कि इंडियंस ही मिलेंगे, तब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, आपको एक इंट्रोडक्शन जनरल देना पड़ेगा, क्या है कहाँ से है वो सब तो ठीक है, नॉर्मल है, वो तो आपस के लोग हो गए। इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आप जैसे आपकी ड्यूटी है, कोई ऑफिसर कोई कैडेट जा रहा है जैसे, तो कैडेट जा रहा है तो कैडेट नॉर्मली वॉच करता है, चीफ ऑफिसर उसको जो वॉच देगा, पोर्ट में है तो कार्गो ऑपरेशंस, ब्रिज पे है तो नेविगेशन। तो कार्गो ऑपरेशंस के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैं टैंकर में हूँ तो मैं अभी जैसा मेरे समझिए मेरे साथ जो क्रू है वो फिलिपिनो है, तो मुझे ऑब्वियसली उनसे हिंदी में बात करने तो कोई चांस ही नहीं है, मैं बात करूँगा हिंदी में उनको समझ में नहीं आएगा, और वो लोग फिलिपिनो बात करेंगे वो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मुझे बात करना पड़ेगा इंग्लिश में क्योंकि वर्किंग लैंग्वेज भी होता है इंग्लिश होगी। तो मुझे कोई चीज़ उनको बोलना है कार्गो से रिलेटेड, कि आपको ये ओपन करना है वाल्व, आपको वो ओपन करना है वाल्व, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा। अभी अगर आपको इंग्लिश में बोलने तो ठीक है आ गया, बट कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि हम मोस्टली VHF पे बात करते हैं, जो रेडियो होता है आपने बहुत देखे होंगे रेडियोज़ ऐसे जो पुलिस वाले और वो सब यूज़ करते हैं ना, जो वॉकी टॉकी सिक्योरिटी वाले, वैसे रेडियो शिप पर भी यूज़ करते हैं, बिकॉज थोड़े थोड़े दूर होते हैं लोग तो कम्युनिकेट करने के लिए वो इंट्रेंसिकली सेफ हम लोग रेडियोज़ यूज़ करते हैं, तो उस पर कभी कभी कम्युनिकेशन का जो एरर है वो भी हो जाता है। तो आपको साफ, एक तो साफ बोलना पड़ेगा और प्रॉपर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप बोल रहे हैं वो अगर आप ही गलत बोल रहे हैं तो सामने वाला गलत समझेगा, अभी उसको क्या लग रहा है कि आपने ऐसा बोला करने, उसने वो कर दिया, उसने कुछ उल्टा काम कर दिया और फिर हो गया एक्सीडेंट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा साबित हुआ है, बहुत सारे फाइन्स पड़े हैं ऐसे ऐसे कि आदमी कुछ बोल रहा है और सामने वाले को कुछ समझ रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन भी आपको बोलने के तरीके से भी आपको अच्छे से बोलना पड़ेगा कि भाई कि ओपन दिस वाल्व और
कि और कैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ओपन दिस वाल को टैंकर्स में तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि ऐसा होता है, जो नहीं गए उनको पता नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि कम्युनिकेशन ना ऐसे ऐसे अगर आप बोलते हो तो, और क्या होता है कि एक तरह का एक एक्सेंट भी आ जाता है, जैसे फिलिपिनोज लोग या कोई और कंट्री के बात करते हैं, आपने सुना ही होगा जो यूके वाले हैं और जो यूएस वाले हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, उनकी इंग्लिश थोड़ी फास्ट होती है, थोड़े स्लैंग उनका अलग होता है, तो उसको भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जब भी आप इंग्लिश बोलते हो थोड़ा साफ और धीरे धीरे बोलेंगे तभी अच्छा होगा। तो ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने। सेकंड कार्गो का हो गया, सेकंड हो गया नेविगेशन का, जैसे आप नए कैडेट हो, थर्ड ऑफिसर बन रहे हो या आप क्रू से आ रहे हो तो आप ए बी हो, स्टेयरिंग के लिए जा रहे हो, तभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पायलट्स आते हैं वो भी कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करते हैं। जैसा अभी उनको बोलना है कि 5 डिग्री पोर्ट, पोर्ट 5, 5 डिग्री स्टारबर्ड, फिर वो इंजिन्स का कुछ ऑर्डर देंगे या फिर कुछ पूछेंगे कुछ और आपसे कि ये किधर है वो किधर है, तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया बराबर या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो वहाँ पे भी एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है इंग्लिश का, तो उससे भी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। पायलट्स के टाइम तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जो मिसकम्युनिकेशन के वजह से हुए हैं, खास करके साउथ अमेरिकन पोर्ट्स, चाइनीज़ पोर्ट्स, ये सब जगह में थोड़ा उनको इंग्लिश कि ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो लोग थोड़ा अपने ही लैंग्वेज में ना कम्युनिकेट करने ट्राई करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी अगर, तो वो जो बोल रहे हैं आपको समझेगा नहीं, भले वो टूटी फूटी बोले, बट हम लोग क्या है अभी थोड़ा सा यूज्ड हो गए तो हमें समझ में आता है, थोड़ा साइन लैंग्वेज से थोड़ा ऐसा ऐसा करके हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। बट उसमें ऐसा नहीं है कि आप मास्टर हो या आप कैडेट हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा, थोड़ा कम नॉलेज होगा, इंग्लिश इंग्लिश है। जिसको जितने अच्छे से समझे, जितना अच्छा जो फ्लुएंटली बोल रहा है उसको उतने अच्छे से समझ में आएगी, उतने अच्छे से वो बोल पाएगा। तो इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उससे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फिर वो जब इन्वेस्टिगेशन होगा क्या होगा देन वो सब घूम फिर के आप पर आ जाएगा। तो इसके लिए आजकल जो कंपनीज भी है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा कॉशियस हो गई है, वो लोग पहले से ही कैडेटशिप में या क्रू में जब जा रहे हो आप तो पहले से ही, क्रू को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लिश का, उस पर मैं आता हूँ, बट जो ऑफिसर्स हैं इंजीनियर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यह हमारा ब्रेड एंड बटर है शिप पर काम करना। अगर आप को इंग्लिश ही नहीं आए बराबर तो आप क्या बोलेंगे, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया कि जो वेटिंग इंस्पेक्शन होता है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करने आते हैं एंड उन लोग भी देखते हैं कि सामने वाले को इंग्लिश कितनी अच्छे से आती है क्या नहीं, अगर उसको नहीं आती इंग्लिश अच्छे से तो वो लोग आजकल पर्सनल रिमार्क्स लिख के जाते हैं कि सो एंड सो ऑफिसर, जैसे सेकंड ऑफिसर होगा अगर, तो सेकंड ऑफिसर वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली ऑन ब्रिज, तो ये एक बहुत बड़ा रिमार्क हो जाता है, पर्सनल रिमार्क उन लोग आजकल डालते हैं, पहले ऐसा नहीं था बट आजकल तो बहुत सीरियस हो गए हो कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको पता है कि इसकी इंग्लिश ऐसी है तो कल को जाके कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा शिप पर, इसकी इंग्लिश ऐसी है इसके लिए, तो वो मेरे पे ना आए तो मैं पहले से रिमार्क डाल दूँ कि मैं अपने साइड से सेफ हूँ, कि ऐसा ऐसा है अभी तुम जानो और तुम्हारी कंपनी जाने, तो कंपनी को उस पर एक्शन लेना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो इसके लिए हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के भी ऑनलाइन कोर्सेस, मतलब कंपनी के ऑनबोर्ड इन हाउस कोर्सेस है, वो सब इंग्लिश से रिलेटेड है, वो सब भी करने पड़ते हैं हमें ऑनलाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के लिए कि आपको इंग्लिश आनी पड़ेगी, जो लोग प्रीसी कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और क्रू से मैं जो आपको बता रहा था, क्रू के लिए जो लोग क्रू में आना चाहते हैं लाइक ओएस, ट्रेनिंग ओएस, एबी, चीफ कुक, जीएस, आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंग्लिश, बट मैं बोलूँगा कि आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो तो अच्छा होगा, बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें ट्रैवल अकेले करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपके साथ कोई ऐसा आपका कोई साथ में कोई ऑफिसर ना हो या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो सबको होती है, तो अगर आपको खुद से इंग्लिश आती हो तो बहुत सारे टाइम में आपको हेल्प हो जाती है कि आप किसी से पूछ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है एजेंट का आप वेट कर रहे हो, एजेंट नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है सिंगापुर में हम लोग थे तभी कुछ कम्युनिकेशन का गैप हो गया था, तो मैं था, मेरे साथ और दो क्रू बैकग्राउंड से थे दो लोग, तो तभी ऐसा हुआ था कि हमें रूम नहीं दे रहे थे, तो मैंने ऑफिस में कॉल किया तभी रातों रात क्योंकि ऑफिस बंद था, तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे हम लोग थे सिंगापुर में वहाँ पे कॉल किया, उनसे बात की, बात करने के बाद हमें तभी हमें रूम मिला, तो जो मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने बोला अच्छा हो गया आप थे हमारे साथ वरना हम तो बात नहीं कर पाते। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंस्टेंसेस है बहुत सारे होते रहते, तो अगर आपको खुद से इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जो क्रू बैकग्राउंड में आ रहे हैं उनके लिए।
और बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे US में अलग शोर लीव का फॉर्म है, साइन ऑफ के टाइम आपको अलग शीट्स भरनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ भी है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको जानकारी हो, ज़्यादा हाई फाई नहीं, थोड़ी बहुत, तो आपके लिए अच्छा एक एडेड एडवांटेज है। तो आप जितना बात करेंगे उतना ही आप फ्लुएंट होंगे इंग्लिश में, बात नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि आप सोचेंगे कि मैंने इंग्लिश में मुझे 80-85% मिला है 10th में, 12th में, प्रीसी में, और मुझे इंग्लिश आती है, वैसा नहीं होता। जितना आप बात करोगे जो लैंग्वेज, वो आपको उतने ही अच्छे से आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू द क्रू। और ऑफिसर्स इंजीनियर्स के लिए तो मैंने जैसे बताया वैसे ही है, बहुत सारे इंस्टेंसेस है ऐसे जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको दिक्कत होती है बात करने में, तो बहुत सारे वीडियोस भी होंगे, आप उसमें वीडियोस में भी देख सकते हैं कि इंग्लिश कैसे अपने सुधारे, वो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो जितने जल्दी हो सके आप उतने जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अभी इनिशियल रैंक्स पे है, कैडेटशिप कर रहे हो, या आप आने की सोच रहे हो, तो इंग्लिश सुधारिए, बात कीजिए दिन में थोड़ा टाइम, तो इंग्लिश एटलीस्ट बात कीजिए, चलेगा। स्टार्टिंग में गलती होगी, सबसे होती है गलती, बट वो गलती से ही आप सीखोगे, और आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप थर्ड मेट, सेकेंड मेट, चीफ मेट बनोगे, चीफ मेट में भी बहुत लोगों से आपको डील करना पड़ता है जो बाहर के लोग आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो वो सब चीज़ें होती है। तो आपको एम्बेरसमेंट भी फील होगा जब कोई फॉरन US वाला आया और आपको इंग्लिश में बात किया और आपसे कम्युनिकेट करने नहीं हो रहा, तो एक एम्बेरसमेंट भी होता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग लेवल से इंग्लिश सीखिए, अच्छे से बात कीजिए। और यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मुझे आपको बताना था। प्लीज़ ये मेरा एक सजेशन है, एडवाइस ले लीजिए कि इंग्लिश जितने हो सके उतने जल्दी अच्छे से सीखिए। अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, प्रोफेशनली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको आगे जाके ये फ़ायदा ही देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इम्पोर्टेंटली, और फाइनली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शिप स्टोरीज विद सागर को। तो चलिए मैं आप चलता हूँ, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।